यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। 22 मार्च से 30 मार्च तक मां दुर्गा की भक्ति का पर्व चैत्र नवरात्रि की धूम रहेगी। 9 दिनों तक मां जगदम्बा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। देवी दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि 9 दिनों में माता की आराधना करने वालों के सुख, शक्ति, तेज, बल, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होती है। शत्रुओं का नाश करने वाली आदि माया साधक अपने भक्तों के कष्ट दूर करने नवरात्रि के दिनों में पृथ्वी पर आती हैं। आज आपको बताएंगे किन बातों का इस बार आपको खास ध्यान रखना है ताकि चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की अपार कृपा बरसे, और जानेंगे आपकी पूरी राशि का हाल भी कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। सभी राशियों को बताएंगे इसके बारे में। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गुरुदेव से जानते हैं कि अक्सर ये देखा गया है गुरुदेव कि नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अखंड दीपक जलाया जाता है तो घर में पॉजिटिविटी बढ़े और सुख समृद्धि का वास हो। अखंड दीपक को क्या तेल से ही जलाना चाहिए या घी से? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अखंड दीपक में अपनी बुद्धि को, बल को, अपनी जीवन शक्ति को और अपने कार्य रूप को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए सही मायने में नवरात्रि के व्रत होते हैं। और नवरात्रि के जो व्रत हैं, आप देखिए, ये दो बार नवरात्रे आते हैं। जब गर्मियां शुरू होती हैं तब आते हैं, जब सर्दियां शुरू होती हैं तब आते हैं। और इसका मतलब क्या है? यही वो टाइम होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बीमारियां इंसान को घेरती हैं, मौसम बदल रहा होता है, ठीक है। और यही वो समय है जब छोटी छोटी एलर्जीज आती हैं। तो एक तो इस वक्त में सात्विक बनना, परमात्मा का ध्यान करना, अपने अंदर बहुत ज़्यादा उतावलापन ना लेकर के आना, एक्साइटेड ना होना और माफ़ करने की प्रवृत्ति इन दिनों के अंदर अगर हम रखते हैं, एक तो इसी से ही हमारे बुद्धि को, हमारे शरीर को बहुत बल मिलता है। और इस पर घर के अंदर मीठे वाले पौष्टिक खाने बनना, दूध दही घी का प्रयोग होना, ये व्रत के अंदर यही सब कुछ होता है। और शुद्ध देसी घी ही प्रयोग करते हैं, और अगर खाना हो नमक के नाम पे भी तो सेंधा नमक खाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का प्रयोग सही मायने में ये शुद्धिकारक है, हमारे शरीर को भी शुद्धि करता है और हमारी बुद्धि को भी ये कंट्रोल में हमारे रहे इस लायक बनाता है। जो अखंड दीपक है इसमें इन 9 दिनों के अंदर हमारे अंदर उतावलापन ना बने, इसके लिए क्या करते हैं, देसी घी की जोत समृद्ध परिवारों के अंदर, जो ऑफिसों में काम करते हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी है, स्वयं मालिक हैं, और जो रोज़ किसी तरह की भी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, इन सबको अपने घर के अंदर देसी घी की जोत का अखंड दीपक ये जलाना चाहिए नवरात्रों में। और नवरात्रों के अंदर ये जोत का अगर आप अकेला विधान करते हो तो वो शायद इतना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहता। इसके साथ में आप देखते होंगे कि लोग बाहर से रेत लेके आते हैं, मिट्टी मिली लेकर के आते हैं और जौ को उगाते हैं, है ना, खेतरी बोना जिसे बोलते हैं। जब खेतरी बोई जाती है तो वहाँ पर एक नए जीवन की उपज के अंदर जितनी शक्तियाँ लगती हैं वो भी वहाँ पर अपनी ताकत लेकर के बैठती हैं। और जैसे जैसे जौ अंकुरित होते हैं उसके साथ में एक बहुत सारी पॉजिटिव वो ऊर्जा जो कि जीवन दायिनी होती है वो बड़ी होती है। ऐसे में वहाँ की हम एनर्जीज को कच्चा करके रखते हैं, वो कैसे, जोत जलाने पे, देसी घी की जोत जलाने पर, और उस एनर्जी के साथ में ये मिक्स हो करके ये जो गर्म वातावरण पैदा होता है, जब इसको हम अपने नथनों से सूंघते हैं तो हमारे अंदर ये सारी ताकत चली जाती। कौन सी ताकत चली जाती है? एक तो दिमाग को ठंडा रखने की, दूसरा शरीर के अंदर पानी जनित जितनी बीमारियां हैं उनको ठीक करने की,
तीसरा, जो जौ के उगते हुए नई शक्तियाँ पैदा हुई हैं वो हमारे अंदर जाकर के हमारे को सबल यानी कि बल देती हैं, अपनी अपनी जगह पे जाकर के बैठती है, जो माता के नौ रूपों में हमें समझाया गया है, तो वो बैठती हैं जब, तब इंसान अपने आप को संपूर्ण और सक्षम मानता है। लेकिन इसीलिए साल में दो बार ये प्रक्रिया करना किसी भी इंसान के जीवन को वाकई में बदल सकता है। और हमने आपको एक एपिसोड में ये बता ही चुके हैं कि कौन सी उम्र वालों को कौन सा व्रत करना चाहिए, तो वो व्रत अखंड जोत और जौ की खेती का बोना बेटा इस वक्त में अमृतमय होता है, इंसान को बीमारियों से भी बचाता है और कामयाबी का एक तरह का प्रमाण पत्र परमात्मा आपको दे जाता है इन नौ दिनों के अंदर इस पूजा पाठ को संपन्न करके। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीन राशियों का हाल। ये राशियां हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि। तो मेष राशि वाले, जैसे कि पहले से ही समय अच्छा चला आ रहा है तो वही और अच्छा करिए, और लेकिन जो भी कार्य करें अपने मित्रों से, यार दोस्तों से, रिश्तेदारों के साथ से सलाह करके करते हैं तो दिन की शुभता और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखते हैं तो शुभता और अच्छी बढ़ेगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए भी खुशियों के दिन चल रहे हैं। अपने लिए खुशी मनाना या अपनों के लिए खुशी मनाना और अपने काम और उनके काम साथ साथ पूरे करने हैं, उसके लिए भी दिन उत्तम है। इसलिए खुशी ही बना करके रखें, थोड़े से चावल दूध मंदिर में ज़रूर अर्पित करें। मिथुन राशि वालों के लिए दिक्कत है, स्वास्थ्य को लेकर के लोगों के द्वारा कोई इल्ज़ाम लगाएं, किसी के बारे आपकी छवि नेगेटिव हो, इस तरह का ये दिन है। इसीलिए हो सके तो ये जो दिन है थोड़े धैर्य से निकालें, कोई भी ज़रूरी काम किसी से निकलवाने हो इसको थोड़ा सा पेंडिंग रखें, आपके लिए अच्छा होगा। आप भी चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में बना करके रखें। गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि नवरात्रि में जो नौ दिन होते हैं, नौ दिनों में बाल दाढ़ी नहीं कटवाई जाती है, ऐसा क्यों होता है, क्यों ये सावधानी हमें बरतनी चाहिए? ये बिल्कुल साइंटिफिकली है, जब भी मौसम बदलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएँ होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे जून जुलाई के महीने में यहाँ पर हम बाहर काम करते हुए फ्लाइट में बैठे और सीधे जाके कनाडा में उतर जाएं तो शरीर एकदम बड़ा ज़बरदस्त रिएक्ट करता है, पजल हो जाता है अंदर से, और तब बीमार होना लगभग तय होता है। इसी प्रकार से जब हमारे यहाँ पर भी मौसम बदलते हैं, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हैं तो अंदर से शरीर पजल होता है, तो भगदड़ मची हुई होती है एक तरह की हमारे सेल्स में। तो उस वक्त में अगर हम बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, इन सब के बीच में कट लगने के चांसेस रहते हैं, और कट लगने के चांसेस में अगर इन दिनों के अंदर कट लगता है तो खून का फ्लो बहुत ज़्यादा मात्रा में बहेगा और खून को रोकने में दिक्कत होती है, जिसके कारण शरीर के अंदर कमज़ोरी के हालात बन सकते हैं। और ये जो भगदड़ अंदर हमारे सेल्स के अंदर मची हुई है उसके कारण रिकवरी में टाइम लगता है, तो इसीलिए ये दिन जो खास तौर पे बदलाव के दिन हैं और यहाँ से पूरी तरह मौसम जब बदलता है तो अपने शरीर के अंदर की इस खलबली को समझते हुए बड़े बुजुर्गों, ऋषि मुनियों ने हमारों ने इन दिनों के अंदर बाल काटना, शेप बनाना, किसी भी तरह के हथियार का अपने शरीर पर धारण करना मना किया गया है, और ख़ास तौर पर चमड़े के लिए मना किया गया है, क्योंकि चमड़ा एक ऐसी पदार्थ है जो हमारे पास पॉजिटिव ऊर्जा यानी कि बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, इनकी ऊर्जा आने से रोकता है, तो इसीलिए नवरात्रों के अंदर चमड़ा भी अपने तन से दूर रखने का विधान बनाया गया है। बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने बताई है। अब तीन और राशियों के बारे में जानते हैं, इनका इंतजार खत्म करते हैं। ये राशियां हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए दिन कुछ खास अच्छा नहीं है, कामकाज के अंदर भी स्थिति कोई डावाडोल वाली रहेगी, अचानक कोई दुर्घटना या कोई धोखा आज के दिन आपको मिल सकता है, तो थोड़ा सा संभल करके रहें, बहुत मोटे या बड़े काम आज के दिन ना करें वो ज़्यादा उत्तम होगा, थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में दे करके दिन की शुरुआत करें। सिंह राशि के लोग, सिंह राशि के लोगों के लिए भी आज का दिन आलस्य भरा, चिड़चिड़ापन, अपनों के साथ में थोड़ी दिक्कतों वाला इस प्रकार से है, कोई दुर्घटना का योग नहीं, सिर्फ चिड़चिड़ापन गुस्से का है, इसीलिए सुबह सवेरे नहा धो करके थोड़ी सी चने की दाल
परमात्मा को अर्पित करके पीले चंदन का तिलक लगा के दिन की शुरुआत करें और सहजता से कार्य करें, अच्छा रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के परिवार में से आज जिनकी कन्या राशि उनके परिवार में किसी सदस्य को चोट भी लग सकती है और आलस और उतावलापन दोनों बन सकते हैं और ऐसी अवस्था के अंदर अटपटे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए कुछ रोटियां गुड़ लगा करके गाय को अर्पित करें और धैर्य बना करके रखें। गुरुदेव इस बार नवरात्रि में मां नाव पर सवार होकर आ रही हैं। कल यानी कि बुधवार के दिन से इसकी शुरुआत हो रही है, तो क्या कोई खास रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और नवरात्रि के दौरान किस रंग से परहेज करना चाहिए? इन दिनों के अंदर जितने हल्के रंग हैं लेकिन कलरफुल, उसमें ब्लैक और नेवी ब्लू तो बिल्कुल नहीं चलेगा, वो लाइट भी नहीं चलेगा, तो हल्के पिंक, हल्के वाइट, हल्के येलो, समझिए इससे टच करते जितने भी कलर हैं, रेड कलर, ठीक है, वो भी लाइट कलर में, इन दिनों के अंदर अगर ये धारण करके हम रखते हैं तो हमारे इस बदलते मौसम के अंदर शरीर के अंदर की हलचल को थोड़ा विराम मिलता है। और अगर आप भड़कीले कपड़े इन दिनों के अंदर पहनते हैं, जो कि आप दशमी पे पहन सकते हो और सब पहनते भी हैं, नौवीं पे पहन सकते हैं, डांडिया खेलते हैं, भड़कीले कपड़े पहनते हो, तो वो दिन जायज़ है, समझे ना, वो इसीलिए बनाया गया है। लेकिन उससे पहले जब तक आपके व्रत चल रहे हैं और जब तक शरीर के अंदर आप परमात्मा में ही बना करके बैठे हुए हो और सात्विक बुद्धि को लेकर के बैठे हुए हो, अगर आप भड़कीले कपड़े पहनते हो तो ऐसे में आपका व्रत भी गलती से भंग हो सकता है। इसीलिए हल्के कपड़े पहनने का विधान व्रत के अंदर, हल्के कलर के कपड़े पहनने का विधान इन व्रतों के अंदर बनाया गया है, किसी भी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, बताएंगे आपको गुरुदेव। तुला राशि के बच्चे जो आज टीचर को बनाना चाहते हैं, यानी अपने से बड़े गुरु टाइप, और काम धंधे वाले वो लोग जो अपने वरिष्ठ जनों से मिलना चाहते हैं, किसी सीनियर से मिलना चाहते हैं और बिजनेस की वो डील जो बहुत बड़े लोगों के साथ करनी हो, इन सब चीज़ों के लिए आज का दिन आपका बहुत शुभ है। तो गाय को थोड़ा सा चारा डाल दीजिए और दिन की शुरुआत करें और उत्तम होगा। वृश्चिक राशि के वो लोग जो आज किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे परिवार की सपोर्ट के साथ जो किया जाने वाला, जैसे नए बच्चों को कुछ काम का प्लान कर रखा हो, कुछ नया खोलना हो, बड़ों की सहायता के साथ में कहीं कुछ खास अर्जित करना हो, इनके लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। पीले रंग का रुमाल जेब में रखेंगे, ऊर्जा साथ देगी। धनु राशि, कार्यों में सफलता, शुभ समाचार, अपनों का साथ, सब कुछ उत्तम है। तो इसलिए अगर स्वयं गुस्से में आकर के दिन नहीं बिगाड़ेंगे तो दिन उत्तम है। तो सुबह सवेरे थोड़े से फल मंदिर में परमात्मा को अर्पित करें, ऊर्जा पूरी तरह साथ देगी। गुरुदेव, नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है मानसिक शांति के लिए, और अगर तनाव टेंशन को दूर भगाना हो तो माँ शैलपुत्री को कैसे प्रसन्न करें? माँ शैलपुत्री पहाड़ों की बेटी, तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर हम हिमालय की पूजा करें, किसी भी पहाड़ की पूजा करें या एक मूर्ति की स्थापना करके जो देवी के रूप में हो उसकी पूजा करें, तो माँ शैलपुत्री वाकई में प्रसन्न होती है। लेकिन ये जो मूर्ति है ये पत्थर की होनी चाहिए, लेकिन इसकी स्थापना मंदिर में होनी चाहिए। अब इतनी बड़ी पूजा का विधान हर कोई तो नहीं निभा सकता, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में आप अपने घर पे ही रखे हुए जो भी ठाकुर जी को रखते हैं, किसी भी मूर्ति को रखते हैं जो पहले ही, तो आज के दिन उन मूर्तियों की पूरी तरह से स्वच्छता निर्धारित करें, स्नान ध्यान करवाएं सुबह सवेरे ब्रह्म काल के अंदर, और ख़ास तौर पे दूध, घी, मीठा यानी कि शहद, शक्कर, इसके साथ में आप पूजा अगर अपनी संपन्न करते हैं अपने पंडित जी को बुलवा करके, तो शैलपुत्री को आज के दिन में प्रसन्न करना और उसका आशीर्वाद पाना और जीवन के अंदर आप वाकई में हरे भरे परिवार यानी कि बाल बच्चों के साथ खेलते हुए परिवार के मालिक बन सके, ये आशीर्वाद माँ शैलपुत्री से आप आज के दिन प्राप्त कर सकते हैं।
तो माँ शैलपुत्री को कैसे आप करें प्रसन्न, गुरुदेव ने इसके भी उपाय बताए हैं। अब जानते हैं मकर कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, कैसे बना सकते हैं आज के दिन को आप शुभ। मकर राशि के लिए वही थोड़ा सा समय अटका हुआ है कि धन का अभाव, तकलीफें ये चलेंगी, किसी की सहायता लेनी पड़ सकती है, इस तरह के मकर राशि के हालात चल रहे हैं। तो इसीलिए कुछ केले आज मंदिर में अर्पित करें और कोशिश करें कि कोई बड़े बड़े कामों की कोई शुरुआत ना करें, आपके लिए उत्तम होगा। कुंभ राशि वाले अगर आज के दिन नकारात्मक विचारों पे काबू पा के रखते हैं, नेगेटिविटी को दूर करके रखते हैं, तो दिन शुभ है। इसीलिए कुछ कुंभ राशि वाले आज नेगेटिव हो जाएंगे, कुछ पॉजिटिवली अपना कामकाज कर देंगे। तो ये नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा क्या है, आज नहाते वक्त अगर आप एक गिलास दूध अपने शरीर पर डाल करके नहाते हैं तो ये नेगेटिविटी दूर रहेगी। मीन राशि के वो लोग जो भाई बहनों के साथ मिलकर या दोस्तों के साथ मिलकर के जो भी आज कार्य करना चाहते हैं उसमें सफलता होगी, और जो भी प्लान बना करके आप निकलेंगे आगे से चल करके आपको सहयोग प्राप्त होगा। इसीलिए कोई बेसन के लड्डू मिठाई वगैरह मंदिर में अर्पित करके या राह चलते किसी को देकर के काम की शुरुआत करें, अच्छा होगा। गुरुदेव, यूं तो ये नवरात्र के 9 दिन जो होते हैं वो शक्ति के दिन होते हैं, माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, उन्हें प्रसन्न करने की भक्त जो हैं वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन क्या इन 9 दिनों में शक्ति के दूसरे स्वरूप यानी देवता की भी पूजा होनी चाहिए, हनुमान भगवान को भी प्रसन्न करना चाहिए? ये जो नवरात्रों के दिन हैं ये वाकई में शक्ति के दिन हैं, नई ऊर्जा संचार के दिन हैं और बुराइयों को दूर रखने के दिन हैं। इन दिनों के अंदर मौसम बदलने के साथ में हमारे शरीर के अंदर जितनी भी एक तरह के राक्षस या उथल पुथल चले जाती है उनको दूर करने के दिन हैं, लेकिन इसके साथ में दुनियादारी को भी देखा जाता है। दुनियादारी के अंदर दुश्मन भी होते हैं, किया किराया भी होता है और बहुत सारी परलोक की बहुत सारी चीज़ें, इनसे भी बचने के लिए खास तौर पे हनुमान जी की पूजा का विधान है। और हनुमान जी की पूजा यानी कि दिन के अंदर एक बार, अगर ये आप दोपहर को करते हैं यानी कि 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आप करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। और इन नवरात्रों के अंदर बुराइयों से बचने के लिए, किए किराए से, ऊपरी प्राय से, इन सब से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा दोपहर को 11 बजे से 1 बजे के बीच में ये आपको करनी चाहिए इस मंत्र के साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये शावर मंत्र है, और ये शावर मंत्र के अंदर क्या कहते हैं, वीर बली हनुमंत जी मुगदर दाने हाथ, मार मार पछाड़िए पर्वत बाएं हाथ, भूत प्रेत और डाकिनी जिंद खैस मसान, बचे न उनमें एक हु निराकार की आन। दुहाई अंजनी की, दुहाई राजा रामचंद्र की, दुहाई लक्ष्मण यति की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूरो मंत्र ईश्वरो वाच। ये एक मंत्र ऐसा है, ये दोपहर को 11 से 1 बजे के बीच में पानी का लोटा रख करके ये 108 बार मंत्र बोल करके, हर बार मंत्र बोल करके पानी के अंदर फूंक मारना और उसका छिड़काव बाद में उस पानी का अपने पूरे घर के अंदर करके चरणामृत के रूप में एक एक चम्मच सबको पिलाना, बुराइयों से बचाता है, ऊपरी प्राय से बचाता है, घर के अंदर कोई दुरा शक्तियाँ हों उनको मिटाता है और माता रानी की कृपा की शक्तियों को पूरी तरह से सजग करके घर के अंदर उनका पूरा प्रसार करता है, जिससे जीवन वाकई में अमृतमय बन जाता है। तो इस नवरात्रों के अंदर आप 9 के 9 दिन हनुमान जी की ये पूजा, ये मंत्र का जाप करके अपने घर को पूर्णतः शुद्ध कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होगा। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बताया कि नवरात्रि के 9 दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पूजा पाठ होनी चाहिए ताकि आपका जो व्रत है, जो आपकी श्रद्धा है, वो सफलतापूर्वक संपन्न हो। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भर देगा। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 999-999-0522। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का, आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।